आप दिल खोल के छप्पन के सीने के साथ कहिए, अडानी मेरा मित्र था, अडानी मेरा मित्र है, अडानी मेरा मित्र रहेगा, लेकिन अगर उसने कुछ घोटाला किया है तो इस देश की खातिर अडानी को भी जांच से गुजरना पड़ेगा। एक बेटे को अपने पिता के लिए नाम पूछना, उसको सजा नहीं होगी। क्यों? ये लोकतंत्र नहीं है। जिस परिवार ने खून देखा है, शहीदी देखी है, वो दिल से बोलेगा। मीडिया वाले मेरे भाई सोच रहे होंगे कि मैं गांधी फैमिली की बात कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं गांधी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गांधी फैमिली में सिर्फ मैडम सोनिया गांधी जी नहीं है, प्रियंका गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी नहीं है। हर देश का व्यक्ति जो सेकुलर है और देश को जात पात से अलग लेके चलना चाहता है, वो सब गांधी है। मैं गांधी हूँ, यहाँ बैठे लोग गांधी है, आप गांधी परिवार के है, हमारा पूरा देश गांधी परिवार है। जब वो कहते हैं राहुल गांधी ने यूके में क्या बोला, आप बोलिए आपने 2 करोड़ नौकरियों के लिए क्या बोला। राहुल गांधी ने सदन में क्या बोला, आप बोलिए आपने महिलाओं के गैस सिलेंडर के लिए क्या किया। जंजीर बढ़ा कर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये किसके लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? ये वो छप्पन सिंह का सीना है, क्योंकि जो सही में मजबूत होते हैं, जिनका सही में सीना 56 का हो, 55 का हो या 40 का हो, दिल से बंदा शेर होता है, दिल से 56 का सीना होता है। आपकी चार चौड़ी छाती देकर कोई 56 का सीना नहीं होता है। मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, आपको इस सत्याग्रह से हम ललकारते हैं। हम मानेंगे आपका 56 का सीना है, हम मानेंगे आप ईमानदार है, हम मानेंगे ना खाया है ना खाने दूंगा। आप दिल खोल के 56 के सीने के साथ कहिए, अडानी मेरा मित्र था, अडानी मेरा मित्र है, अडानी मेरा मित्र रहेगा, लेकिन अगर उसने कुछ घोटाला किया है तो इस देश की खातिर अडानी को भी जांच से गुजरना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। राहुल जी सिर्फ इतना चाह रहे थे, आपने नोटबंदी की, लोगों को लाइनों में निकाला, अपनी माताश्री को भी लाइन में लगाया। राहुल जी को अपनी माँ का दर्द है, मोदी साहब आपकी माँ का भी दर्द था। उन्होंने कहा इस तरह से सिर्फ राजनीति के लिए किसी भी माताओं को यूज ना करे, किसी भी बहन को यूज ना करे, किसी भी गर्लफ्रेंड को 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना गलत है। ये हम लोगों ने आपको सिखाया, आपने नहीं सिखाया। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सदन के भीतर रेनकोट पहन के आप बाथरूम में नहाते हैं, ये कहना अपमानजनक नहीं था? एक प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए उनको सजा नहीं होगी? एक बेटे को अपने पिता के लिए नाम पूछना, उसको सजा नहीं होगी? क्यों? ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाजपा का राजतंत्र है। और इस राजतंत्र में या तो आप उनके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, अन्यथा ईडी, सीबीआई, और अब एक नई परंपरा शुरू हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन, सदन से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये गाज आज राहुल गांधी जी पे नहीं गिरी है, ये गाज आज विपक्ष के आवाज पे गिरी है। आज राहुल गांधी है, कल कोई दूसरा नेता होगा, कल कोई तीसरा नेता होगा, और आवाम में बैठे हुए आप लोग होंगे कि आप सत्याग्रह में क्यों आए। किसका सत्याग्रह था? कांग्रेस का? सबको हथकड़ी पहनाओ, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। अभी जाते जाते पता कीजिएगा कि शायद हम में से कितनों को वो फिर से उठाकर लेके जाएंगे। ऐसे बात नहीं बनेगी तो 2-2, 4 की टुकड़ी में आप राह चलते, किसी को चोर कह दिया। अभी एक व्हाट्सएप में बहुत वायरल हो रहा है कि भैया
एक चोर किसी के घर में चोरी करने जा रहा है और मकान मालिक को कह रहा है चुप रहो, कुछ मत बोलना, अगर मुझे चोर कहा तो 2 साल की सजा हो जाएगी, मुझे चोरी करने दो। ये परंपरा भाजपा लेके आ रही है। हमारी बहन प्रियंका जी बोल रही थी, सही में सबका दिल भराया, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, दिल से बोला, और दिल की आवाज हर व्यक्ति के दिल में लगती है, क्योंकि ये कोई ढकोसला नहीं है, ये झूठा भाषण नहीं है, ये जुमला नहीं है। जिस परिवार ने खून देखा है, शहीदी देखी है, वो दिल से बोलेगा, उसको रोष होगा। जिस परिवार ने इस देश को सींचा है, उसको दुख होगा। जिस परिवार ने इस देश में अनाज दिया, आजादी के बाद जब हमारे देश में अनाज नहीं था, अनाज का कटोरा बनाया, उसको दर्द होगा। जिस परिवार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसको दर्द होगा। मीडिया वाले मेरे भाई सोच रहे होंगे कि मैं गांधी फैमिली की बात कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं गांधी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गांधी फैमिली में सिर्फ मैडम सोनिया गांधी जी नहीं है, प्रियंका गांधी जी नहीं है, राहुल गांधी जी नहीं है। हर देश का व्यक्ति जो सेकुलर है और देश को जात पात से अलग लेके चलना चाहता है, वो सब गांधी है। मैं गांधी हूँ, यहाँ बैठे लोग गांधी है, आप गांधी परिवार के हैं, हमारा पूरा देश गांधी परिवार है। ये राजतंत्र नहीं है, और ये हमें अब ठोक के बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जिस परिवार की बात कर रहे हैं, वहां अकेले प्रियंका गांधी नहीं खड़ी है। मेरी बहन भी प्रियंका है, मेरा भाई भी राहुल है, मेरी माँ है मैडम सोनिया गांधी, आपकी माँ है मैडम सोनिया गांधी। वो अपने घर को भरने के लिए, अपने परिवार के लिए आपको नहीं सींच रहे। इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी जी ने शहीदी नहीं दी, इंदिरा जी ने शहीदी नहीं दी। इस देश को सींचने के लिए उस परिवार ने इस देश को परिवार बनाया, और पूरा परिवार गांधी परिवार है। ये आप सुन लो, आज के बाद जब भी आप गांधी परिवार की बात करो तो ये जवाब भाजपा को नहीं देना है, ये आपको देना है कि मैं भी गांधी परिवार हूँ, तुम भी गांधी परिवार हो। यहाँ पे देश का हर शख्स बैठा हुआ गांधी परिवार है, क्योंकि गांधी परिवार एक आइडियोलॉजी है, जुमला नहीं है, भाषण नहीं है, दो व्यक्तियों की पार्टी और जागीर नहीं है। यह देश जिसको मन आया उसको इस देश की जायदाद को लुटाने का नाम गांधी नहीं है, गांधी परिवार नहीं है। ये बात अब आपको समझानी पड़ेगी। आज हम यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारा आग्रह है जो राहुल जी ने बोला, डरो मत, उनकी बात का जवाब दो, उनकी बात का जवाब उनकी बात से नहीं। जब वो कहते हैं राहुल गांधी ने यूके में क्या बोला, आप बोलिए आपने 2 करोड़ नौकरियों के लिए क्या बोला, राहुल गांधी ने सदन में क्या बोला, आप बोलिए आपने महिलाओं के गैस सिलेंडर के लिए क्या किया। जब तक आप ठोक ठोक के उन्हीं के वादों की याद नहीं दिलाओगे, तब तक वो आपके साथ खेलना बंद नहीं करेंगे। आज ये बहुत जरूरी है कि आप उनके झांसे में पड़ रहे हैं, आप उनकी बातों में पड़ रहे हैं, उनकी बातों को दरकरार कीजिए, थूक फेंकिए ऐसी बातों पे, ऐसे जुमलों पे, और कहिए जो वादे किए हैं उनको लेकर आइए, हम भी आज से भाजपा को मानेंगे। आज इसकी जरूरत है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसान के काले कानून हो, और आज अडानी घोटाला हो, क्या हमारे पास मुद्दे नहीं है? क्या हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है? क्यों हम मूक दर्शक बने हैं? बुरा लगेगा, हम लोगों को ही बुरा लगता है, गुस्सा आता है। अकेला प्रियंका जी नहीं लड़ पाएंगी, अकेले मैं नहीं लड़ पाऊंगी,
अकेले राहुल जी नहीं लड़ पाएंगे, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी जब तक आवाम का साथ नहीं मिलेगा। और वो पार्टी के लिए नहीं है, आपके लिए है, आपके रोजगार के लिए, महंगाई के लिए है, महिलाओं के गैस सिलेंडर के लिए है, महिलाओं के सम्मान के लिए है, एक विपक्ष के नेता के सम्मान के लिए है। आज जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो राहुल गांधी का सम्मान और असम्मान की बात नहीं है, एक सांसद के सम्मान की बात है, सदन के सम्मान की बात है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में राजतंत्र बनाने का अपमान की बात है। उस अपमान का बदला लेना है तो राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन का बदला आपको लेना पड़ेगा। सदन पक्ष और विपक्ष दोनों से चलती है, ये परंपरा इस देश में हमेशा रही थी, हमेशा रहे, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अन्यथा मुझे कहना पड़ेगा कि देखिए अच्छे लोग बार बार नहीं आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। आपके लिए लड़ने के लिए अगर आवाम मुर्दा होगी, जो कबीर जी का एक दोहा था कि साधो ये मुर्दों का गांव, अगर हम मुर्दा हो गए तो धीरे धीरे नेता भी गायब होते चले जाएंगे। ये आपको अपने लिए लड़ना है, इस देश के लिए लड़ना है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना है, और इस लोकतंत्र में ऐसे तानाशाह को हटाने के लिए लड़ना है जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है। गांधी वो वाला परिवार नहीं जो भाजपा कहती है। अब मुझे लगता है अगर हम हर गांव, हर कस्बे में इस बात को लेके जाए कि मोदी साहब अब तो बता दीजिए, हम कानूनी कार्रवाई झेलेंगे, लेकिन वो 20,000 करोड़ थे किसके, जो लाइनों में खड़े हुए लोग नोटबंदी में तकरीबन 150 लोग शहीद हुए, वो किसके लिए, जो काले कानून के लिए 700 किसान शहीद हो गए उसके लिए आपने पार्लियामेंट के अंदर शोक भी नहीं जताया, किसके लिए, ये सवाल अब आपको करना पड़ेगा। यही कहने मैं आपके बीच में आई हूं। गुस्सा है इसलिए नहीं कि हमारे लीडर को डिस्क्वालीफाई किया गया, गुस्सा है इतना होने के बावजूद हम लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। एक ऐसे फेक और फेकू 56 इंच के सीने से और उसकी जुमला पार्टी से आप जो डर रहे हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगी कि जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उस दिन उन व्यक्तियों का जिस तरह से वो गरजते हैं, और वही गरजता है जिसको बरसना नहीं आता है, राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। अब हम सबकी बारी है कि इस मुद्दे को एक एक कोने में लेकर जाए और उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। इतना ही कहकर आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए